हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो थोड़ा आपको पार्क का अपडेट दे देता हूँ। आज तो काफ़ी दिनों से हमारे पार्क के बाहर जो हमने पार्क का मिट्टी विट्टी उठा के बाहर रखा था ना, मलबा, वो पड़ा हुआ था। 20-25 दिन हो गए इस चीज़ को, और बारिश के चक्कर में वो लोग उठा नहीं पा रहे थे, MCD वाले इसको। जिस दिन में लोगों ने इतना कचरा फेंकना शुरू कर दिया उस पर, मतलब वो भर गया, आप देख ही सकते हैं। मतलब मिट्टी तो दिखी नहीं, उसके ऊपर सिर्फ जो एक्स्ट्रा कचरा है वही दिख रहा है। छोटा सा ट्रक लाए हैं, थोड़ा थोड़ा करके उठा रहे हैं। तो एक गंदा सा झाड़ू उठाऊंगा मैं, ये भी किसी ने फेंका ही हुआ, और इससे मैं जगह साफ करूंगा, आपको दिखाता हूँ। मैं एक्चुअली ये जगह साफ कर रहा हूँ क्योंकि ये हर रोज दिन में एक दो बारी करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर जो पेड़ है ना, वहाँ से फल गिरता है, बहुत ज़्यादा तादाद में गिरते हैं वो लोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा गिरते हैं वो ऊपर से ना, और फिर वो इसी जगह पे गिरते हैं जिसको मैं अभी झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, और वहाँ पे फिर वो पूरे उस पर टाइल्स पे चिपक जाते हैं, और फिर वो स्लिपरी हो जाती है वो जगह, बहुत ज़्यादा गिरने का बहुत चांस होता है वहाँ पे। तो मतलब अगर मैं सुबह झाड़ू मार रहा हूँ तो रात तक वो भर जाता है वापस, इतने फल गिरते हैं। ये भी मौसम का ही है, हर मौसम में नहीं होता है, बारिश के आसपास ही होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो लेफ्ट और राइट में देखो, इतने इकट्ठे हो चुके हैं ये कुछ दिनों में गिर गिर के। ये देखो लेफ्ट में राइट में पूरा ये फल ही फल है यहाँ पे। इस पेड़ से देखो गिरते हैं ये वाले, इसका कुछ जुगाड़ करेंगे हम, नीचे चादर वादर बिछा के, या तो एक उस टाइम पीरियड के लिए कुछ वहाँ रख दिया ताकि वो चिपका ना रहे उससे। अब ये बीगल्स ने भी विंटर पे भौंकना बंद कर दिया, इनकी दोस्ती हो गई अच्छे से ना इसके साथ, हम अब आराम से सैर कर पाते हैं। तो आज हमने अनपैकिंग शुरू करी है, तो टीवीज खोले हैं दोनों, बहुत अच्छे से पैक हो रखे थे वो, तो वो आपको मैं दिखाता हूँ। अभी घर के अंदर चलते हैं। ये मूवर्स एंड पैकर्स ने ना ऐसे इसके फ्रेम्स बना के टीवी को इसके अंदर रखा था, तो अभी हम वो खोल रहे हैं। बड़े हल्के हल्के लगाए हैं उन्होंने, लकड़ी भी ऐसी होगी शायद, प्रोटेक्शन दी है ये खाली, अच्छा ये अब निकाल देते हैं, टीवी ऐसी बाहर निकाल लेते हैं और लकड़ा पूरा फेंक देंगे। क्या कहता है, इतनी निकालें इसको लकड़ी टीवी के बाद। विंटर देख रहा है, विंटर को लग रहा है भाई इतना सामान कहाँ से आ गया घर पे। विंटर अपना मस्त है, उसको सिर्फ खेलने से मतलब है। तो ये जो पहला वाला टीवी है ये हम लगाएंगे पापा के रूम में, पापा के रूम में ऑलरेडी इतनी स्क्रीन्स हैं, वैसे एक लैपटॉप है, दो स्क्रीन, तीन स्क्रीन्स तो ऑलरेडी हैं, चार स्क्रीन्स लैपटॉप में ला के, ये पांचवी हो जाएगी सबसे बड़ी। मम्मी भी लगे बड़े गत्ते वत्ते पैक करने में। हॉल की अभी ये हालत है, सोफे भी हमने ब्राउन निकाल के ग्रे कर दिए हैं। तो ये अभी दूसरा खुल रहा है, तो हमने पहले दोनों खोल के रख लिए और उसके बाद फिर हमने उनको लगाना शुरू किया था। मैं राइट हैंड से ज़्यादा काम नहीं कर रहा, मैं अभी एक दो दिन में मैं डॉक्टर को दिखा लूँगा, क्योंकि वो ठीक नहीं हो रहा है, 1-1.5 महीने से खिंचती जा रही है प्रॉब्लम ना। तो बस अभी हम ये टीवी निकाल रहे हैं। ये बेसिकली एक टीवी लगा था मुंबई के हॉल में, मुंबई वाले 10th फ्लोर वाले घर स्टूडियो के हॉल में, घर या स्टूडियो कुछ भी कह लें उसको, और एक लगा था स्टूडियो के अंदर जो मेन स्टूडियो था उसके अंदर जो स्क्रीन थी बड़ी। और ये जो टीवी जिसमें पैक हुए थे, जो दो वुडन पैकिंग निकली है ना, इसका फ्रेम मुझे बड़ा अच्छा, वुडन फ्रेम जो निकले हैं उसका फ्रेम मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो पहले तो हम सोच रहे थे इसको फेंक देंगे, लेकिन मैंने इसको बहुत ही क्रिएटिवली यूज़ करने का सोचा है, तो अगर वो मैं कर पाता हूँ तो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगा। तभी बस पापा और मैं टीवी निकाल रहे हैं, मैंने कहा चलो फ्रेम बने हुए हैं तो उसको थोड़ा सा कहीं इसको यूज़ करा जा सके तो करना चाहिए। तो अभी हम मार्किंग करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर सेंटर में लगाने के लिए ना प्रॉपरली मार्किंग लेनी पड़ेगी, तो वही मैं अभी समय मार्किंग कर रहा हूँ। उसके बाद मार्किंग सेम टू सेम हम वॉल पे ले रहे हैं, AC के हिसाब से सेंटर पे रख के ना, क्योंकि जगह बीच में ऐसा फिट करना पड़ेगा कि वो नीचे जो लेफ्ट साइड में टीवी दिख रहा है आपको फ्रेम में, उससे भी क्लैश ना करे। विंटर अपना सो रहा है मज़े से। एक चीज़ रियलाइज़ किया कि हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है ना, हम लोग हर काम ना खुद करना बहुत एंजॉय करते हैं, स्पेशली पापा, पापा को बहुत मज़ा आता है ये सब करने में, हमें साथ में टाइम भी स्पेंड करने को मिल जाता है, अच्छा लगता है। मतलब मुझे तो स्पेशली मेजरमेंट्स लेना बड़ा पसंद है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना वो सेटिस्फाइंग से लगता है मुझे, प्रॉपरली मेजरमेंट लेकर चीज़ों को सही तरह से सेंटर पे लगाना।
तो बस ये मार्किंग हमारी प्रॉपरली हो गई थी, ये भी टीवी अच्छे से हमारा फिट आ गया है सेंटर पे, और इस बार ही हमें राइट टूल भी मिल गए जिससे हमारा काम स्पीड अप हो गया। तो ऊपर की लाइट के हिसाब से और एसी के हिसाब से सेंटर पे हमने ये लगा दिए, देखो। चलो अब यूके चलते हैं। अभी यूके में भाई को मिल गया हैरी पॉटर वाला झाड़ू, ये पूरा मर्चेंडाइज यहाँ पे हैरी पॉटर के आप ले सकते हो। हॉगवर्ड वाला फील आ रहा है यहाँ पे, इस वीडियो में देख के लग रहा है कि बड़ा प्यारा सा मौसम हो रखा होगा वहाँ पे। और स्ट्रीट म्यूजिक, पियानो बज रहे हैं भाई सड़क पे, और बड़ा अच्छा लगा मुझे, वीडियोस के थ्रू ही देख रहा हूँ मैं तो भैया भाभी और कीचू काफ़ी अच्छी अच्छी जगहें घूम रहे हैं यूके में ताई और रवि जीजू के साथ। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको अपने व्लॉग्स में दिखाता रहता हूँ कि वहाँ पे क्या चल रहा है। और कमेंट्स में कुछ लोग पूछ रहे थे कि सुरभि ताई क्या हमारी रियल सिस्टर हैं, कज़न सिस्टर हैं, उनसे हमारा क्या रिश्ता है। तो वो भैया ने अभी जो उनका लेटेस्ट व्लॉग आया उसमें उन्होंने पूरा उसी के बारे में बताया ताई के साथ बैठ के, तो आप वो व्लॉग देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से सारे आंसर्स मिल जाएँ। चलो अब दिल्ली वापस चलते हैं। तो अभी ये सेकेंड जो टीवी है वो हम लगा रहे हैं हॉल में, तो मार्किंग्स ऑलरेडी कर दिए मैंने, कहा बार बार नहीं दिखाता आपको वो फुटेज, यहाँ की भी मार्किंग सेम में मैं करी। विंटर देख रहा भाई, खड़ा होके देखने लग जाता हूँ। ये इतने गत्ते निकले हैं खोल खाल के, जितना भी सामान अभी खोला है हमने। और ये वाला टीवी हम वहाँ पे लगाने वाले हैं, पीछे ऐसे हुक्स होते हैं उसमें जो इसमें लग जाते हैं। तो अभी हमारा बस टीवी लग गया, पियानो आ गया, टीवी आ गया, सरस्वती माता की दो मूर्तियाँ आ गई और बुद्धा जी की भी मूर्ति आ गई, एक अच्छा सेट बन गया हमारा एक, है ना, बढ़िया लग रहा है देखने में। मम्मी से पूछते हैं कि अब वो क्या बना रही है। आज तेरे लिए तो चीला बन रहा है, मूंग दाल, और पापा का पूड़ा बन रहा है बेसन का। अच्छा, इसमें से दोनों में डिफरेंस क्या है? ये मूंग दाल का है। ओके। और ये बेसन है। ओके। चना दाल का। पापा को थोड़ा सर्दी जुकाम लगा हुआ है इसलिए बेसन का बना। ये पापा का हो गया, पापा को देखे अभी मैं थोड़ी देर में खाऊंगा, मेरा खाना बन रहा है। और उससे पहले अभी मैं विंटर का एक गिफ्ट है जो हम उसको पहनाएंगे, जो कि आपने थंबनेल में भी देखा है। तो विंटर को आज हम बॉस विंटर बनाएंगे, मतलब मैं सोच रहा था कभी कुछ कोई इवेंट हो ऐसा जिसमें ऐसे सूट वूट पहनना हो और डॉग्स अलाउड हो वहाँ पर, तो हम विंटर को भी ऐसे पहना के लेके जा सकते हैं, बहुत कूल लगेगा। बढ़िया चीज़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली मीशो ही लेकर आए थे मुंबई से, इसे हार्नेस पहनाते हैं ना हम इसको, वैसे ही ये इजीली उसको पहनाया जा सकता है और कंफर्टेबल है बहुत इसमें ना। नॉर्मली ये निकालने की कोशिश करता है जब कुछ भी अनकंफर्टेबल पहना हो उसको, तो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, इतना हैंडसम लग रहा है पहन के देखो। फिर मैंने थोड़ा सा फोटोशूट किया इसके साथ, कीचू का वो पीछे लगा के ना जो उसके बर्थडे पे बना था, तो विंटर और कीचू का बॉस बेबी हो गया आज ये। तो मैंने थोड़ी सी ट्रीट्स भी दी इसको, क्योंकि वो वहाँ पे आके बैठाने के लिए इसको ट्रीट्स देनी पड़ेगी। भाई तू इधर बैठ, मैं तेरी फोटो खींचता हूँ। ब्लैक और वाइट बहुत ज़्यादा इसके कलर के साथ भी बहुत सही लग रहा है। स्टे। सिट। 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 बॉस विंटर, बॉस डॉग है। गुड अप अप गुड चल। ट्वीट। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको विंटर का ये लुक कैसा लगा। विंटर को मैंने ट्रेन कैसे किया उसके लिए मुझे काफ़ी लोग मैसेज में पूछ रहे हैं, तो मैं ना व्लॉग्स के बीच में कभी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे सिट करना सिखाना है, कैसे थोड़ी बहुत चीज़ें जो होती हैं बेसिक्स वो मैं आपको बताता रहूँगा। तो चलो मम्मी पापा को दिखाते हैं विंटर का नया लुक। आजा। बोश विंटर खड़ा है, बोश विंटर। ये देखो पापा बैठे हैं अपने हॉलीवुड वाले फील के रूम में। पापा ये देखो विंटर को, देखो बॉस विंटर बन गया। अभी बुला रहा हूँ इसको, आ ही नहीं रहा, मैं ट्रीट रखे फिर ना फ्रिज से निकाल के, फिर आया वो, आ रहे हो फिर इसको देखने, अभी ओपन आया हुआ है। तो मेरा भी खाना बन चुका है, मैं भी खा लूंगा चीला।
गले में क्या पहने देखो उसने? ओह अच्छा, स्वीट स्वीट लग रहा है ना? देखो यहाँ से देखो, समझ आएगा। अरे वाह, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड बॉय। देखो कभी कभी ऐसा करता है, टॉयज फेंको ना, लेता नहीं है। फ्लॉप शो कर दिया इसने। बस अब मैं उतार रहा हूँ इसको, बहुत खेल लिया हमने आज। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग में मिलते हैं। गुड नाइट।